सर, आज से हम लोग अपना जो टाइप स्क्रिप्ट का कोर्स है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होती है टाइप स्क्रिप्ट, क्यों सीखनी चाहिए आपको टाइप स्क्रिप्ट, और इंडस्ट्री के अंदर कितनी ज़्यादा डिमांड है टाइप स्क्रिप्ट को लेके। देखो, अगर हम लोग बात करें टाइप स्क्रिप्ट को लेके, तो टाइप स्क्रिप्ट जो है वो जावा स्क्रिप्ट पे बनी हुई लैंग्वेज है। आपने कभी ना कभी सुना होगा कि जो टाइप स्क्रिप्ट है उसको बोला जाता है सुपरसेट जावा स्क्रिप्ट का। अब इसको बनाया था माइक्रोसॉफ्ट वालों ने, मतलब आप एक तरीके से बोल सकते हो कि जो जावास्क्रिप्ट है उसका ही इनहांस वर्जन बोला जाता है टाइप स्क्रिप्ट को। अब वो कौन कौन सी कमियां हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, उनके बारे में तो हम लोग आगे प्रैक्टिकली बात करेंगे जब हम लोग टाइप स्क्रिप्ट का कोर्स देख रहे होंगे। छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ, आप एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर हो, आपने क्या करा, लिखा लेट एक्स इक्वल्स टू 10, मतलब जावास्क्रिप्ट में आपने लिखा एक्स इक्वल्स टू 10। अब आपने एक्स का कोई डेटा टाइप डिफाइन नहीं करा, एक्स क्या है, कोई इंटीजर है, कोई स्ट्रिंग है, या फिर उसमें कोई बूलियन वैल्यू स्टोर होनी है, ऐसा आपने नहीं बताया। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट क्या करती है, इस वाली चीज को अलाउ नहीं करती है। अगर आप लोग टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ऐसा करने जाते हो तो वहीं पे आपको एरर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जो टाइप स्क्रिप्ट है वो एक स्टैटिक टाइप लैंग्वेज है। टाइप स्क्रिप्ट कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसको शुरू से लेके बिल्ड करा गया हो, जैसे अपनी जावा हो गई, पाइथन हो गई, या फिर सी लैंग्वेज हो गई, जिनको शुरू से लेके बिल्ड करा गया है। लेकिन वहीं पे हम लोग अगर बात करते हैं टाइप स्क्रिप्ट की, तो टाइप स्क्रिप्ट जो है वो जावा स्क्रिप्ट पे बनी हुई एक लैंग्वेज है। ऐसी कुछ खामी जो शायद जावा स्क्रिप्ट के अंदर रही है उसको फुलफिल करा गया है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हम बहुत इजीली ऑप्स यूज कर सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जैसे अब्स्ट्रक्शन हो गया, जैसे इनहेरिटेंस हो गया, जैसे क्लासेस डिफाइन करनी हो गई, ये चीज हम लोग बहुत आराम से कर सकते हैं टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। और यार प्रोडक्शन के हिसाब से बात करें तो इस चीज में बहुत ज्यादा क्वालिटी है, टेंशन मत लो। ये सारी चीजें मैं इस कोर्स के अंदर आपको शुरू से लेके एंड तक बताऊंगा। मैं आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करवाऊंगा जिसमें आपको ऐसा लगे कि हाँ यार टाइप स्क्रिप्ट का वास्तविक यूज कैसे होता है। और जब हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे इस कोर्स के अंदर और प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि यार जावास्क्रिप्ट की वो कौन सी कमी थी जिसको फुलफिल कर रही है अपनी टाइप स्क्रिप्ट, और यार आज के टाइम में इंडस्ट्री के अंदर इसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है। तो यार ये तो एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन का वीडियो है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे कि हम किस तरीके से इसको इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, और किस तरीके से इसका यूज करा जाता है, और कुछ कोड लिखेंगे जिससे आपको क्लियर होगा कि हाँ यार इसमें ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। क्या आप इस कोर्स के लिए एक्साइटेड हो या नहीं हो, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और यार चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे मोटिवेशन के लिए। सो यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।